हमारे यहाँ जैसे कि ये आपको ज्ञात ही है सभी लोगों को कि एचआईवी केसों के काम चल रहा है और कई लोग के एचआईवी केस निकल रहे हैं। हम लोग उसके इलाज के लिए और बचाव के लिए काम कर रहे हैं। कल मेरे संज्ञान में आया कि एक महिला कैदी जिला महिला के जेल में उसकी मृत्यु हुई थी, वो एचआईवी पॉजिटिव थी। तो जैसे ही मामला के एचआईवी पॉजिटिव है तो जो टीम थी उसके लिए हम लोगों ने पूरे प्रिकॉशन किए कि ऐसा न हो कि जो हमारे पोस्टमार्टम करने वाले लोग हैं वो अफेक्टेड हो जाए। सीएमएस महिला के द्वारा कह के हम लोगों ने उसकी जो पीपीई किट होती है बचाव के लिए वो मंगवाई और उसके आदेश करे और जो कर्मचारी करने वाले थे या डॉक्टर लोग थे उनको उस किट का इस्तेमाल करके ही कराया, जिससे कि हमारे जो कर्मचारी लोग हैं उनका बचाव हो सके। ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट अनोखा केस था कि एचआईवी वैसे फैलता नहीं है, क्योंकि आप पोस्टमार्टम करेंगे तो नेचुरल है कि उसका उसका शरीर का अंग अवयव और बाकी चीजें भी लोगों के कॉन्टेक्ट में आएंगे। उसका मैंने पूरा ध्यान रखा और कराया, तो मुझे और सभी लोगों के लिए लीगली हम लोगों ने सबको सुरक्षित कर लिया। हाँ, यही बात एक अच्छी बात थी कि वो लिखित में आ गया कि वो मरीज जो जो श्यामो नाम की जो कैदी थी वो एचआईवी पीड़ित थी। यदि लिख के ना आता, यदि ये लिख के ना आता जेल से कि वो एचआईवी पीड़ित है तो कहीं धोखे से ये हो जाता और उसके फैलने की संभावना हो जाती।